राजपथ का नाम बदलने पर कांग्रेसी की आपत्ति दर्ज कराने पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा, राजपथ का नाम बदलना जरूरी था और कांग्रेस को आपत्ति इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने कभी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं किया, हमेशा राजाशाही की आदत रही है, इसलिए देश में इमरजेंसी थोपी गई थी। राजपथ गुलामी के समय की याद दिलाता है जो देश के लिए इतने लोगों ने बलिदान दिया, अपना जीवन समर्पित किया, उसके लिए उसका नाम लोकपथ होना चाहिए। और इसलिए अभी INS विक्रांत जो देश को पुनः सौंपा गया उस पर लगा झंडा भी बदला गया, क्योंकि वह झंडा भी गुलामी के समय की याद दिलाता था और इसलिए लोकपथ की जगह उसका नाम कर्तव्य पथ किया जा रहा है। देखो, कांग्रेस की मानसिकता राजा लोगों जैसी थी, उनका कभी डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं रहा, इसलिए इमरजेंसी थोपी गई थी। उनके सांसद का भी मानसिकता वही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और हमारे वैश्विक नेता मोदी जी, उनका मानना यह है कि आम आदमी के लिए, आम आवाम के लिए राजपथ नहीं लोकपथ, और लोकपथ के लिए कर्तव्य पथ, और इसलिए कर्तव्य पथ उसका नाम दिया है। जिस असंख्य भारतीयों का बलिदान जिस देश के लिए हुआ, वो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि इसका कर्तव्य पथ नाम रख देने से होगा। ये गुलामी का प्रतीक है, और गुलामी का प्रतीक अभी भी आपने देखा होगा, जो जहाज पे से उन्होंने झंडा बदलवा के भारत का झंडा किया, वो गुलामी का ही प्रतीक था जिसको हटाया है। और ये गुलामी की मानसिकता से कांग्रेस कभी उबर नहीं सकती, और इसलिए उबरना चाहिए।